गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम अपना चैप्टर 19 रीड करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसको क्लास में आधे से ज़्यादा रीड कर चुके हो आपको, तो इसको हम थोरोली नहीं वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करेंगे, बस इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान क्यों होना चाहिए, किसी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले कि जो संविधान है वो ये बताता है कि इसके सिटीजन को कि वहाँ का समाज किस तरह का है और किस तरह की जो समाज के वैल्यूज़ हैं। ये सिटीजन्स को ये भी बताता है कि उनके पास उनके राज्य देश में किस तरह की सरकार है, कौन सी शक्तियाँ हैं सरकार के पास, और सरकार है अपने अधिकारों का किस तरह से गलत अधिकार गलत प्रयोग नहीं कर सकती। अब जो संविधान है वो लोगों को अधिकार भी देता है ताकि वो कानूनों को ना जोड़ तोड़ सकें और दूसरे नागरिकों का शोषण ना कर सकें या फिर उनका शोषण ना हो किसी और के द्वारा। बहुत सारे प्रावधान है हमारे संविधान में जो ये कहते हैं कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों का शोषण नहीं कर सकता है। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखो ये क्या करता है, समाज की जो भी आवश्यकताएं इनके बारे में बताता है, उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं इनके, इसके अनुसार ये जो आइडियाज़ हैं फिलोसफीज़ के बारे में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन सा दर्शन शास्त्र बताता है। एग्जाम्पल के लिए कि भारत का जो संविधान है वो ऑल सिटीजन जस्टिस, सभी नागरिकों के को न्याय को पक्का करता है, आज़ादी देता है, ठीक है, इक्वालिटी समानता देता है और अवसरों की भी समानता देता है। ये हमारे देश की जो सरकार है उसका निर्माण शक्तियाँ उसके कार्यों के बारे में बताता है, स्पेशली कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग हिस्सों के बारे में भी हमें जानकारी देता है, ठीक है। ये डिफाइन करता है हमारे देश के राजनीतिक प्रणाली को। एग्जांपल के लिए जो भारतीय संविधान है वो ये बताता है कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सरकार है जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। फिर देखो ये क्या करता है, ये क्या बताता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, वो अपनी राजनीतिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते। संविधान ने जो हमें राइट्स दिए हैं वो उन राइट्स के अकॉर्डिंग हम सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज़ को या फिर अल्पसंख्यकों को क्या करता है, अपनी भाषाओं और संस्कृति को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ज़्यादातर ये इसमें बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं ताकि औरतों, बच्चों और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उनकी तरक्की हो, एडवांसमेंट हो। और ये रीज़न के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमारा देश है या फिर किसी भी देश में एक संविधान ज़रूर ही होना चाहिए। अब देखो कैसे भारतीय संविधान कैसे बना गया, जो कैबिनेट मिशन है वो 1946 में भारत आया, उसने भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण किया। जो मेंबर्स थे संविधान सभा के वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के द्वारा, प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा उनका चुनाव हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष चुना गया, बीआर अंबेडकर चेयरमैन चुने गए ड्राफ्टिंग कमेटी के। जो असेंबली थी मीट फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसमें 385 सदस्य शामिल थे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि जब भारत का पार्टीशन हुआ तो उसके बाद उनकी संख्या 308 रह गई, ठीक है। जो संविधान सभा थी ये इसके सदस्यों का चुनाव देश के सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने किया। भारत का जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पास करके इसको अपना लिया और इसमें लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे, ठीक है। और इस तरह 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया भारत में, ठीक है। और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारतीय संघ का पहला प्रेसिडेंट मान लिया गया, ठीक है। रीज़न एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रीज़न है उसका एक हम आउटलुक ले रहे हैं इसका, ठीक है, इसमें क्या क्या वैल्यूज़ दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने
बहुत ही तेज गति से। यस, हम बात कर रहे थे कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक ही बहुत तेज गति से प्रगतिशील भारत को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया था, इसलिए उन्होंने हमारे संविधान में बहुत कुछ विशेष वैल्यूज़ ऐड की हैं। ये वैल्यू हमारे प्रिम्बल में दिए गए हैं। ये जो प्रिम्बल है ये हमारे देश का के संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, और ये किससे शुरू होता है, पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग ये मानते हैं कि जो हमारा संविधान है ये क्या करता है, इम्प्लाई दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड गिवन अथॉरिटी बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री सिंस इट ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल हैव द अल्टीमेट पावर। अब देखो कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग, मतलब हम से शुरू होती है, सभी के बारे में बात करी है कि हम ये मानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमें क्या क्या अधिकार देता है और उनको हम स्वीकार करते हैं। हमारे जो अथॉरिटी जो ये किसके द्वारा बनाया गया है, जिन उन प्रतिनिधियों के द्वारा जिन्होंने जिनको जनता ने चुना है। जो संविधान है वो हमारे देश का सबसे सुप्रीम सर्वोच्च दस्तावेज है, और ये क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो सारी शक्तियाँ किसके पास हैं, जनता के पास है। सेवरन कंट्री है देश, मतलब संप्रभु है, सभी प्रभु हैं इसमें, सभी मतलब सारी जनता के पास शक्तियाँ हैं अपनी सरकार चलाने की, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने की, कि इसका मतलब ये है कि जनता स्वतंत्र है और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने खुद के निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी हैं, समाजवाद का आइडिया जो आदर्श है उसको हम फॉलो करते हैं, और जिसमें हर एक आदमी को देश के जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करने का राइट दिया जाता है। ठीक है, इन लॉन्ग रन अगर ये नहीं समाजवाद नहीं होगा तो क्या होगा, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब सभी धर्मों को समान अधिकार है, कोई हमारा जैसे नेशनल रिलीजन नहीं है, हमारा राष्ट्रीय धर्म या राजधर्म नहीं है हमारा, हमने सभी धर्मों को समानता दी है यहाँ पर। ठीक है, या किस इसका ये भी मतलब है कि किसी मेजॉरिटी के द्वारा माने गए धर्म को भी हमने अपना राजधर्म नहीं बनाया है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक है, सारी जनता जो एडल्ट्स हैं अब 18 ईयर्स ऑफ एज वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब गणतांत्रिक है, ये हमारा चुना हुआ हेड क्या करता है, जो जैसे हमारा प्रेसिडेंट है जो चुना हुआ है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है एक तरह से, और जो इसके जो भी अधिकार हैं सरकार के उनको भी देखने करता है कि सरकार अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करे। उसका जो पद है वो अनुवांशिक नहीं है और हर 5 साल बाद वो बदल जाता है। जस्टिस न्याय, जो निर्माता थे हमारे संविधान को चाहते थे कि हमारे देश में सभी को उचित न्याय मिले। ठीक है, इसलिए उन्होंने सभी नागरिकों को कानून के सामने समान रखा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये देश में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है ताकि सभी जो असमानताएं हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं ताकि जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज के उनको अधिक फैसिलिटी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। एग्जाम्पल के लिए सामाजिक और आर्थिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए जो पिछड़ी वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, स्पेशली अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ, एक्सप्लॉयटेड शोषित ट्राइब्स, दूसरे पिछड़े वर्ग, ये क्या करते हैं, इनके लिए हमारे पास रिजर्वेशंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त भर्तियाँ होती हैं, आरक्षण है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज़ादी, समानता और भाईचारे पर जोर डालता है, क्योंकि एक अच्छा समाज, एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए तीनों की बहुत ज़रूरत है। आज़ादी देखो, हर एक आदमी को अपने विचारों को प्रकट करने का की स्वतंत्रता है और वो अपने व्यवसाय और अपना धर्म अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। सभी लोग कानून की नज़रों में, सारे जो नागरिक हैं भारत के कानून की नज़र में समान हैं। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, जो असमानता है, भेदभाव है, गैर कानूनी है और कानूनी रूप से वो पनिशेबल या फिर दंडनीय है। इस प्रकार जो अलग अलग धर्मों के जो मानने वाले लोग हैं, गरीब अमीर, औरतें पुरुष,
वो उनको भी सभी समान अधिकार दिए गए हैं, फ्रेटर्निटी भाईचारा, ठीक है, या ब्रदरहुड। भारत एक विविध कंट्री है, यहाँ पर विविधता है, अलग अलग धर्मों के वर्गों के लोग रहते हैं। एक देश में अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, परंपराएं हैं, भाषाएं हैं। अब देश में सही सहिष्णुता या समानता या भाईचारे को डेवलप रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों के बीच में भाईचारा हो। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भाईचारा के भाव को बढ़ावा देता है, ताकि हमारा देश का जो एकता और अखंडता है, इंटीग्रिटी है, वो बनी रहे। संविधान का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो जातीय असमानता है, अस्पृश्यता है और दूसरी ऐसी गलत जो भी क्रियाएं हो रही हैं जिसके कारण लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचती है और दूसरे जो सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शन हैं, वो नीचे जाते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिम्बल या फिर हमारी प्रस्तावना की इंपॉर्टेंस क्या, ये पढ़ी लेते हैं बेटा। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान निर्माताओं का जो एक विज़न था, दृष्टिकोण था, उसको दिखाते हैं और इसको हम एनफोर्स कानून के द्वारा, इवन दो इट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ, ये कानून के द्वारा भी लागू नहीं हो सकता। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, क्योंकि ये देश के जितने भी गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको निर्धारित करता है और जो नीति निर्माता हैं, नीतियों को बनाने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन करता है। देश के जितने भी कानून हैं उनको बनाए रखता है और जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं वो हमारी प्रस्तावना में दिए गए हैं। कानून क्या करता है, लाइज दैट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वॉइड। अब जो कानून है वो क्या करता है, किसी भी संविधान की आत्मा होता है। ठीक है बेटा, आप यहाँ तक पढ़ें, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें।